Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum students. Aaj ki tutorial mein main aapko aapki farz se koi website hai, theek hai, to aap usko chahte hain ki usme se koi data content koi copy na kar sake, right click karke koi copy na kar sake na, to usko aap kis tarah disable karenge apne website mein na, to main aapko wo cheez batane chala hu, theek hai. Ab dekhiye, ye meri website hai. मैंने ट्यूटोरियल डाला है, अब कोई इस तरह करके कॉपी कर ले, कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है. तो मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूँ, तो हाउ टू डिसेबल राइट क्लिक इन योर वेबसाइट, ठीक है जी. तो इसका बड़ा ज़बरदस्त मैं एक ट्यूटोरियल बनाने चला हूँ, तो आप मेरे साथ रहें. ये देखें, सबसे पहले आप जाएंगे वो आपने जो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसमें आप ये इसका डैशबोर्ड है. आप अपीयरेंस में जाएं, बल्कि अपीयरेंस में नहीं छोड़ें, प्लगइन, ये देखें प्लगइन नज़र आ रहा है ना, इसमें जाएं और ऐड न्यू पे क्लिक करें, ठीक है. प्लगइन्स और ऐड न्यू, मतलब एक नया प्लगइन मैंने इंस्टॉल करना है. तो इधर आपने एक प्लगइन होता है WP वर्डप्रेस, ठीक है, प्रोटेक्टर, राइट प्रोटेक्टर कर लें या प्रोटेक्टर चलें प्रोटेक्टर. तो देखिए WP राइट प्रोटेक्टर कर सकते हैं, तो वो कर लें. एक मिनट मैं देखता हूँ, यहाँ भी देख लेते हैं. तो देखिए मुख्तलिफ प्रोटेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है. तो मैं आपको ये देखें WP साइट प्रोटेक्टर जो है ना, इसको मैं रिकमेंड करूंगा. वैसे और बहुत से हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देख लें. लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो ये करता हूँ WP का मतलब वर्डप्रेस साइट प्रोटेक्टर. इसके अलावा बहुत से हैं, फैंटेस्टिक कॉन्टेंट प्रोटेक्टर है, ठीक है, इस तरह कॉपी सेव वेब प्रोटेक्शन है, ठीक है, सिक्योर इमेज प्रोटेक्शन है, कोई इमेज आपकी कोई कॉपी ना कर ले, ठीक है. इसी तरह वर्ड प्रोसेस कॉपी डेटा प्रोटेक्टर है, ठीक है जी. तो बहुत बेशुमार हैं, तो आप अपनी मर्जी है कोई भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आपकी मर्जी है. देखें, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया मैंने, और उसके बाद मैंने इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये एक्टिवेट हो गया. अब ये देखें, इसमें कुछ आपसे पूछ रहा है, गौर से देखें. डिसेबल कंटेंट कॉपिंग, यस, ठीक है, मैं कह रहा हूं यार कॉपी यानी कि राइट क्लिक ना हो जाए, ठीक है. डिसेबल राइट क्लिक, यस, ठीक है, अब मतलब राइट क्लिक डिसेबल हो जाएगा. डिसेबल कंटेंट कॉपी, कोई आपका डाटा कॉपी नहीं कर सकेगा. अच्छा, एक और चीज, अलर्ट मैसेज, अलर्ट टेक्स्ट मैसेज. फर्स्ट किया आप चाहते हैं कोई मैसेज उसको जनरेट हो, मैं जैसे कोई राइट क्लिक करे या कॉपी करने की कोशिश करे, तो यहाँ कोई अपना कोई किसी किस्म का मैसेज भी आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, यानी कि प्लीज डू नॉट कॉपी माय डाटा, या इस तरह का कोई चीज, कोई भी आप मैसेज यहाँ राइट कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह आप चाहते हैं डिसेबल कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज हैं, Ctrl+A है, Ctrl+C वगैरह, ये भी डिसेबल हो जाए, तो आप इसको भी यस करके डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरह कोई कहते हैं कि अपेंड स्ट्रिंग कंटेंट व्हेन यूजर कॉपीज डाटा फ्रॉम योर वेबसाइट, ठीक है, अपेंड स्ट्रिंग कंटेंट व्हेन यूजर कॉपीज डाटा फ्रॉम, मतलब जब यूजर कोई आपकी वेबसाइट से डाटा कॉपी करे ना, तो अपेंड स्ट्रिंग कंटेंट, उसका जो डाटा है वो अपेंड हो जाए, यानी कि आगे चला जाए, ठीक है, अपेंड स्ट्रिंग कंटेंट, तो ये भी आप यस कर सकते हैं. इसी तरह हेल्प अस स्प्रेड द वर्ड सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम वेब वर्डप्रेस साइट प्रोटेक्टर, तो ये भी आप यस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये अपनी मर्जी का, मैं वैसे इसको नो ही करता हूँ, वैसे आप देख लेना. लेकिन ये तो दो जो है ना, ये बड़े अहम है कि आपका डाटा जो है ना सेव रहे, तो मैं दोनों को यस करके, ठीक है, उसको मैं सेव कर लेता हूँ. तो अब देखेंगे, अब मैं वेबसाइट पे जाता हूँ अपनी, ये देखें वेबसाइट है मेरी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ.
ठीक है, अब गौर से देखें मैं इसको, ये देखें ये राइट क्लिक भी नहीं हो रहा और ना ये देखें कॉपी भी नहीं हो रहा। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही रेफरेंस मॉडल को, ये देखें तो ये भी नहीं हो रहा और राइट क्लिक भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा देखें। तो ये तरीका था जी, आप अपनी वेबसाइट को सेव कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपका डाटा आपकी मर्जी के बगैर यहाँ से कोई कॉपी ना कर सके, कट कॉपी पेस्ट ना कर सके, ठीक है। राइट क्लिक भी मैंने डिसेबल कर दिया और आपका डाटा भी सेव हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी ट्यूटोरियल, छोटा सा आपको पैगाम, एक जो वेबसाइट बना रहे हैं लोग, उनको पसंद आया होगा। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, adnanonlineclass.net है और ये मेरी वेबसाइट है। इंशाल्लाह मैं इस पे काम जारी रख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, उस वक्त तक के लिए है अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम।